संध्या का समय था, लगभग लगभग इससे और आधा घंटे का लेट मान लीजिए। तो लक्ष्मण जी की तो कम थी, वैसे बहाना तो लक्ष्मण जी का भगवान बना रहे, लेकिन भगवान की ही जनकपुर घूमने की ज्यादा इच्छा थी। जैसे जो बड़े लोग बैठे ना मेरी दाई ओर, अब जब जैसे रिमझिम रिमझिम वर्षा होती है तो इनकी जीव लपलपाती है पकौड़ी खाने की, मिर्च के पकौड़े खाने की, इसकी खाने की। अब कहें कैसे कि हमारे लिए पकौड़े बनाओ, तो पता क्या कहते हैं, अरे बच्चों को कुछ पकौड़े वकौड़े बनाओ, मौसम उसका हो रहा है, बच्चा तो एक ही खाएगा, थाली तो आप ही चट करोगे पूरी। अब बिल्कुल वही था इच्छा भगवान की हो रही थी जनकपुर एक बार दर्शन करने की। तो कहा गुरु जी लक्ष्मण की इच्छा हो रही है कि जनकपुर घूमने की, वो आए क्या? तो विश्वामित्र जी तो अंतर्यामी थे, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि ना था विश्व बदर जी में तुम्हारे यहां था, कह सकते थे लखन घूमे आएगा तू बैठ। तो वो समझ गए गुरु जी, बोले जाओ। और यहां से गुरुदेव की आज्ञा लेकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जनकपुर दर्शन करने के लिए राजभवन से बाहर राजमार्ग पर आए हैं। पूरे जनकपुर में शोर हो गया, दो राजकुमार कहीं के आए, बड़े सुंदर सलोने हैं, इतना सुंदर रूप कभी हमने देखा नहीं। लोग दौड़ पड़े, धाए धाम काम सब त्यागी, सब काम धाम छोड़कर दौड़े जा रहे हैं मनोरंग के लिए। जैसे भिखारियों को पता लगता है कि उस चौराहे पर कम्बल बांटे जा रहे हैं, उस पर माल बांटा जा रहा है, तो जैसे भिखारी लदर पदर भागते हैं, ऐसे जनकपुर के ज्ञानी लोग, ज्ञानी नागरिक, विदेही नगर के विदेह लोग देह का सौंदर्य देखने के लिए पागलों की तरह इतनी भीड़। भगवान ने कहा लखन बाजार में तो भैया बड़ी भीड़ है, एक ठठेरन गली थी पड़ोस में, उसमें पतली सी गली थी, उसमें मुड़ गए, बोले इसमें चलो। जैसे ही गली में मुड़े, एक सखी अपनी अटारी पर खड़ी होकर छज्जे पर अपने केस सुखा रही थी। उसने देखा कि दो बड़े सुंदर मनोहारी राजकुमार जैसे लगते जा रहे हैं। अच्छा, जो माताओं का एक स्वभाव होता है, सुंदरता देखने का माताओं का एक स्वभाव होता है। आपने देखा है कि बारात देखने के लिए, दूल्हा देखने के लिए पुरुष लोग पागलों की तरह नहीं भागते, माताएं पागलों की तरह भागा करती हैं, और बरातें सायंकाल ही चढ़ा करती हैं गांवों में। तो सायंकाल ही रोटी पानी का समय होता है, आटा मल रही होंगी, और जैसे ही बरात के बाजे बजना शुरू हो आए गली में, तो सना हाथ लेकर आटे का भागेंगी बरात देखने के लिए, लदर पदर लदर पदर। अब बुंदेलखंड की तो मुझे ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन राजस्थान में मैंने सुना है कि माताएं इतनी पागल हो जाती हैं बरात देखने के लिए, कई बार छज्जा ही गिरा देती हैं। बरात के दौरान में छज्जे गिरने की बहुत घटनाएं हैं। एक बूढ़ी माताजी से मैंने एक बार पूछ लिया था, क्योंकि बूढ़ी से पूछने में कोई ऐसी शर्म भी नहीं, मैंने अम्मा जी एक बात बताओ, दूसरे का दूल्हा देखने के लिए माताएं क्यों लालायित रहती है? बोले कि वो केवल देखने जाती हैं, मिलान करने जाती हैं कि हमारे ही जैसे हैं कि किसी और तरह के हैं, इसे पुरुष नहीं जाते। पुरुष कभी बारात देखने के लिए पागल होकर नहीं दौड़ेंगे, बच्चे तो चले जाते हैं लेकिन पुरुष नहीं जाते, माता ही जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये देखने जाती हैं मिलान करने के हमारे ही जैसे हैं कि किसी और तरह के। मैंने कि अगर मान लो और तरह के भी हुए तो अब दूल्हा तो बदला नहीं जा सकता, वो तो जैसा माथे मढ़ गया उसी को ढोना पड़ेगा, दूल्हा कैसे बदल सकते। तो जैसे ही सखी ने देखा खांसी मठारी, भगवान ने और नीचे को निगाह कर ली, क्योंकि जो पीछे से देखने में सुंदर लगता है माता है उसके नाक नक्श जरूर देखना चाहती है कि सामने से कैसा दिखाई देता है। तो भगवान तो बड़े मर्यादित हैं, तो लक्ष्मण जी पीछे रक्षक के रूप में थे, वो चारों ओर देखते जाते थे। आपने देखा ना कमांडो जो होते हैं, तो जो नेताजी तो आगे आगे चलते, कमांडो जैसे ऐसे देखते रहते किधर से पत्थर आया किधर से ईंट आई, ऐसा करते ना। तो लक्ष्मण जी तो कमांडो थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये सखी ऊपर से खांस रही है मठार रही है, एक बार मुखमंडल ऊपर कर दीजिए, एक बार आपका दर्शन छा। अरे बोले लखन नीचे देख नीचे देख, फंस जाएगा यही, ये माया की नगरी है, फंस जाएगा, बड़ी मुश्किल हो। अब ये और अकुल आ गई, उसने सामने वाली गली के सामने वाली अटारी पर जोर से, कुछ महिलाएं थी, ओ ओ सखी ओ कलावती अरे लीलावती ओ रूपवती अरे दौड़ के चल समय चूक पुन काक पछताने। और धीरे धीरे पूरी गली में जुबती भवन जरोकन लागी, राम रूप देखे अनुरागी, आपस में एक ही चर्चा कर रही हैं।
अरी सखी, ये जो आगे वाला सांवला सलोना वर है ये तो वर सांवरो जानकी जोगू, हमारी जानकी जी के योग्य। दूसरी सखी रो पड़ी, बोले बहन कहे तो तू सही रही है लेकिन जानकी जी का इनके साथ विवाह कैसे होगा। बोले क्यों? बोले ये तो इतने कोमल हैं और धनुष इतना कठोर है और जनक जी की प्रतिज्ञा है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ बिटिया का विवाह करूंगा, तो ये धनुष कैसे तोड़ेंगे। तीसरी एक थी ललितपुर की, वहां गई हुई थी वो, उसकी उसकी बहन थी वहां, तो उससे मिलने गई हुई थी। उसने कहा घबराओ मत, परेशान मत हो, इनको धनुष तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोले क्यों? बोले मुझे ऐसा लगता है कि जनक जी ने इनको अभी देखा नहीं है, जनक जी जैसे इनको देख लेंगे प्रतिज्ञा छोड़कर वैसे ही जानकी जी को इनके साथ विदा कर देंगे, परेशान मत। लक्ष्मण जी ने रास्ता रोक लिया, प्रभु आप नहीं देखो ना, ललितपुर से आई है तो बिल्कुल हमारी परिचित है, कथा में हमने देखी थी इसको। नहीं 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 प्रभु, अरे मैं कह रहा हूं नीचे को देख फंस जाएगा। तो एक सखी ने कहा, अच्छा एक बूढ़ी सास थी तो वो छत पर बैठी धूप सेक रही थी, तो वो बहुत देर से बहुओं की बातें सुन रही थी। अच्छा ये जो सास होती है ना, बूढ़ी माताएं, ये वैसे तो बहुत ऊंचा सुनती है पर ये बहुओं की फुसफुसाहट भी सुन लेती है। पता नहीं कौन सी मशीन इनके कान में लगी है वो एकदम, तो वो लाठी टेकती टेकती आई और बोली क्योरी बीननी हो, यहां भी बीननी शब्द चलता है बहु के, अच्छा यहां नहीं चलता, राजस्थान में चलता है, राजस्थान में बहुओं को बीननी कहते हैं। तो मैं झुंझुनू कथा करने गया तो मैंने पूछा कि ये बीननी का क्या मतलब होता है, बहु रानी कहिए बिटिया रानी कहिए जो भी, बीननी का क्या मतलब होता है। बोले वो बीन के लाई जाती है हजारों में से एक। देखो कमाल है, नाम ही चल। तो वो लाठी लेकर आई, क्यों री मैं इतनी देर से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, बरसावरो जानकी जोगू, बरसावरो जानकी जोगू, अगर जानकी जी का इनके साथ विवाह हो भी गया तो तुमको क्या फायदा मिलेगा। बोले फायदा बहुत फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? बोले बार ही बार सने और जनक बुलाओ बसी ले यही बंधु दो मैया कोटि काम कमनी। जानकी जी जनक जी की बहुत लाडली बिटिया है, अगर जानकी जी का विवाह इनके साथ हो जाएगा और ये ससुराल चली जाएंगी तो जनक जी जानकी जी को बहुत दिन बिना देके रह ही नहीं सकते, इसलिए बार ही बार सने और जनक बुलाओ बसी लेने आई यही बंधु दो। लाड के कारण जनक जी सीता जी को बिना देके बहुत दिन रह नहीं सकेंगे तो जल्दी जल्दी जनकपुर बुलाया करेंगे और ये राजकुमार जानकी जी को विदा कराने के लिए बार बार जनकपुर आया करेंगे और हमको घर बैठे इनका दर्शन होता रहेगा, इससे बड़ा और क्या भाग्य हो सकता। लक्ष्मण जी ने हाथ खोदे, प्रभु मैं नहीं जाने दूंगा, देखो ना कैसी सुंदर सुंदर आपके लिए बातें कर रहे, भैया मान जा मेरी बात, मान ले मुश्किल हो जाए, बड़ी मुश्किल नहीं। तो जब भगवान आगे चलने गए तो अब ये जोर जोर से रोने लगी, तो रोने लगी तो भगवान ने कहा कि अब तो दर्शन हो गया, अब रोती क्यों? बोले हमारी भी व्यवस्था करो। बोले क्या मतलब? बोले हमने तो अपना मन आपको अर्पित कर दिया और बिना मन के इस तन का क्या करेंगे। ऊधो मन नाही दस बीस, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे। अगर आप हमको साथ नहीं ले चलोगे हम यही आपका नाम लेकर आत्महत्या कर लेंगे, प्राण छोड़ देंगे और आपको हमारी हत्या का पाप लगेगा। भगवान का ले लखन कर ले सिफारस, अब बड़ी मुश्किल। भगवान का ये नहीं हो सकता। बोले हम प्राण छोड़ती हैं, हत्या का पाप लगेगा। बोले प्राण मत छोड़िए, फिर प्रतीक्षा करिए। सखियों ने पूछा कब तक की प्रतीक्षा करें? भगवान ने कहा इस त्रेता में तो मैं मर्यादा के अवतार में आया हूँ, एक पत्नी का व्रत लेकर आया हूँ,
लेकिन आपको द्वापर तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। द्वापर में सबकी सब चली आना, बेरोक टोक सबके लिए मकान बना के दूंगा, सबको रख। और यही जनकपुर की नारियां द्वापर में आकर भगवान कृष्ण की 16108 रानियां कहिए, गोपियां कहिए, ऐसी सुंदर, आज पूरे जनकपुर के कोई सोया नहीं, सबको भय लगता है, सोते न रह जाए। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो।